पिछले 3-4 दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख खबरें रही है उनमें महत्वपूर्ण है, चीन ने दुनिया का सबसे लंबा सीलिंग बनाया, दुनिया का सबसे मॉडर्न मॉडल, सबसे अधिक आयु वाला, इसके अनुमानित आयु है 112 वर्ष से भी ज्यादा। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियन प्लेन बनाया जो जल और थल कहीं भी उतर सकता है और दोनों स्थान से उड़ान भर सकता है। चीन अपने कृत्रिम चांद लॉन्च करेगा जो वास्तविक चांद से कई अधिक चमकीले होंगे, जो धरती को रोशन करेंगे, जिससे बिजली की खपत बहुत कम हो जाएगी चीन की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को धमकाया, अपना लड़ाकू बेड़ा दक्षिणी चीन सागर भेजा, मगर बेड़े ने ताइवान में ही लंगर डाला। इस बीच हमारे देश की कुछ प्रमुख खबरें ये रही कि यूपी के मुख्यमंत्री ने गोरक्षधाम में आरती की। भारत ने शहरों के नाम बदले, जिसमें केवल इलाहाबाद के नाम बदल जाने का कुल खर्चा 4,100 करोड़ रुपए है। कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है और उसका बजट 10,000 करोड़ है। तोगड़िया ने राम मंदिर आंदोलन की धमकी दी है, आरएसएस मुखिया ने राम मंदिर बनवाने की मांग की और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा मंदिर वही बनेगा। भ्रष्टाचार में सीबीआई के टॉप अधिकारी अस्थाना रंगे हाथों पकड़े गए हैं। सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मंदिर में महिलाओं की एंट्री बैन है और रावण दहन, रामलीला देखते हुए रेल पटरी पर सैकड़ों लोग कट गए। और आखिरी बात आपको बताते हैं कि इस सब के बीच मोदी विश्व शक्ति बनने की ओर है।